जिंदाबाद। अब सुविधाएं मिले शेख मंदिर जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सदर इजलास स्टेज पर मौजूद कौमी वतन पार्टी के सूबाई वाइस चेयरमैन फैज निशा साहब, स्टेज पर मौजूद कौमी वतन पार्टी के सिटी डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन मलिक अदील साहब, स्टेज पर मौजूद बाकी इलाके के मौजूदीन, यहाँ पर मौजूद इलाके के मशरान, मेरे भाइयों दोस्तों, मैं सबसे पहले तो अपनी तरफ से और कौमी वतन पार्टी के तमाम कारकुनान की तरफ से अख्तर हुसैन साहब और उनके साथ जो नौजवान और बुजुर्ग हमारे साथ आज कौमी वतन पार्टी में शामिल हुए उनको अपनी दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और उनको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि उन्होंने एक सही फैसला किया है। इंशाल्लाह कल से इस पेशावर शहर के लिए, इस खैबर पख्तूनख्वा के लिए अकट्ठे मिलकर जद्दोजहद करेंगे और इसकी इसको तरक्की की राह पर गामजन करेंगे। मैं शाह साहब का भी बड़ा मशहूर हूँ, मुझे पता है ये प्रोग्राम काफी दिनों से इन्होंने प्लान किया हुआ था, बीच में कुछ इनकी बीमारी आ गई और कुछ ऐसे हालात बन गए थे कि सियासी एक्टिविटी थोड़ी रुक गई थी, लेकिन काफी अरसे से ये हमारी ख्वाहिश थी अख्तर हुसैन साहब का और उनकी सब दोस्तों का, उनकी खानदान का बड़ा मशहूर कि उन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर हमें ये मौका दिया, हमारी हिम्मत अफजाई की और जिस तरीके से आज इन्होंने हमारा इस्तकबाल किया, जो हमें इज्जत दी, ये इस्तकबाल और ये इज्जत हम हमेशा हमेशा याद रखेंगे और इंशाल्लाह इस पेशावर शहर के लिए, ये पेशावर शहर हमारे सूबे का दिल है और ये हम सब के लिए ऐसा है कि ये इसकी तरक्की, इसकी हकूक की हिफाजत करना, इसके मसाइल हल करना, ये हम सब पर फर्ज है। तो इंशाल्लाह हम सब इकट्ठे मिलकर इस पेशावर शहर की तरक्की के लिए किरदार अदा करेंगे। अगर आप देखें तो इस वक्त तहरीक इंसाफ किस मेम्बरान तकरीबन इस पेशावर से ज्यादातर उनके मुंतखब हुए, लेकिन बदकिस्मती से न इन्होंने तवज्जो दी, न इससे पहले जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन्होंने तवज्जो दी, उससे पहले एनपी की हुकूमत उसने तवज्जो नहीं दी, एमएमए की हुकूमत में भी पेशावर को वो तवज्जो नहीं दी गई जो उसको देनी चाहिए थी। हम कम से कम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह से निवर्तन है तो उमर खान शेरपुर ने एक वक्त में पेशावर के लोगों को इकट्ठा किया था, पेशावर में इधर पार्टी मनजम की थी और पेशावर की शहर के शहरियों के दिलों में अपनी लिए जगह बनाई थी। इसी तरीके से अख्तर हुसैन ने कहा कि खुशी है कि आज इधर तंजीम भी इन्होंने मुंतखब की है, अख्तर हुसैन साहब चेयरमैन होंगे हमारे तहरीक दूसरी 15 के और हाजी शेख इलाही जो है वो हमारे जनरल सेक्रेटरी होंगे। इसी तरीके से मजहर जो है हमारे यूथ के यहाँ से चेयरमैन होंगे। मैं ये ख्वाहिश रखूंगा कि जल्द से जल्द ये विलेज कौंसिल की भी तंजीमें कंप्लीट करें और इसी तरह पेशावर शहर के हर यूसी में हम जाएंगे और इंशाल्लाह तंजीम साजी करेंगे और आइंदा आपको ये हम बताना चाहते हैं कि कौमी वतन पार्टी का गढ़ पेशावर शहर होगा और इंशाल्लाह पेशावर शहर के लोगों की हम खिदमत करेंगे। बड़ी मेहरबानी।